दोस्तों राधा मोहन के आने वाले एपिसोड में आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार राधा इस समय एक नई चीज़ की इजाज़त और मांग रही है इस परिवार की भलाई के लिए, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि जल्दी ही एक ऐसी चीज़ होने जा रही है कि जिससे दामनी और दामनी की मां का पर्दाफाश होने जा रहा है। क्योंकि राधा ने पहले ही मन में डिसाइड कर लिया है कि किसी भी तरीका से वो राधा को किसी भी तरीका से राधा ने बोल दिया है दामनी को, मैं इस घर में रहने नहीं दूंगी, क्योंकि दामनी का जो असली चेहरा है वो सभी लोगों के बीच में लेकर आने ही वाली है। साथ ही दोस्तों आप लोग जानते ही हैं कि इस समय की बड़ी अपडेट मिल रही है कि इधर बात की जाए दामनी की, तो दामनी को शक तो हो चुका है कि राधा आज नहीं तो कल मुझे इस घर से निकलवा कर ही रहेगी। क्योंकि वाकई में दोस्तों जो राधा चाहती है, अगर ऐसा हो गया तो फिर तो कोई दिक्कत आने वाली है ही नहीं। क्योंकि बात की जाए इस वक्त दामनी की, तो दामनी को दामनी की माँ ने बोल दिया है कि दामनी अब इस घर में हमारी उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है, पता नहीं किसी दिन भी हम यहाँ से निकल सकते हैं। और ये दोस्तों एक रियलिटी भी है, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं कि अब धीरे धीरे ही सही, लेकिन मोहन का परिवार अब राधा पर विश्वास करने लगा है। और मोहन पर विश्वास करने की वजह भी आप लोग जानते ही हैं कि राधा और मोहन को एक होना, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि राधा ने इस परिवार के फेवर में क्या कुछ नहीं किया है, इस परिवार के फेवर में जितना भी कुछ किया है सभी कहीं ना कहीं सभी चीज़ दायरे में नज़र आती हुई नज़र आ रही है। साथ ही आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक और नया दिलचस्प मोड लेकर आई है, जिसमें आप लोग जानते हैं कि इस समय की बड़ी अपडेट मिल रही है। और बड़ी अपडेट इस प्रकार से है कि बात की जाए राधा की, तो राधा इस समय बहुत ज़्यादा खुश नज़र आ रही है, लेकिन वो तब तक दामनी को एक्सपोज नहीं करेगी तब तक वो शांति से नहीं बैठ सकती। साथ ही दोस्तों मेरा नाम है रोहित नागर, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइएगा गाइस कैसी लगी मेरी वीडियो। थैंक यू।